वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रिया। और मैं हूँ आपकी मेंटर मैथ्स मिस प्रिया। आज हम आपको आरएसएल सीरीज का चैप्टर 13 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस क्या होते हैं? एक दो पॉइंट्स को मिलाना हो, एक जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइंस। इन्हीं लाइंस पे एंगल्स बनाना वो क्या कहलाता है? लाइंस एंड एंगल्स। तो ये एंगल्स के हमारे बहुत तरीके के होते हैं। ये तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने लास्ट ईयर मतलब क्लास सिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन अब हम कुछ एंगल्स के बारे में बताते हैं। एंगल्स दो टाइप के होते हैं, एक पहला सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इसको लिख लेंगे। There are two types of angles. सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमारे दो टाइप्स के एंगल्स होते हैं, पहला है सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स का सम 180, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। तो हम देख इसको उतार लीजिए आप लोग। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक एग्जांपल बताते हैं। एक एग्जाम्पल है, एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल बी हमें नहीं पता है। और हमें कैसे एंगल बी निकालना है ये हमें बताना है। तो एंगल ए हमें पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है। एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होता है? 180। जिसमें एंगल ए हमें दे रखा है 50 डिग्री और एंगल बी हमें कितना दे रखा है? एक्स। मतलब हमें कुछ भी नहीं पता तो हम इसको क्या मान लेंगे? एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब एंगल ए एक एंगल दे रखा होता है तो हम सप्लीमेंट्री के केस के अकॉर्डिंग हम एंगल बी भी निकाल सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए हमें पता है 50 डिग्री, एंगल बी नहीं पता है तो हमने उसको क्या मान लिया? एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको एक्स इधर लिखा है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 इधर पॉजिटिव में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? नेगेटिव में। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 130। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 130 डिग्री। ऐसे हम एक क्वेश्चन आप लोगों को एक और दे रहे हैं, वो लगा के दिखाइए। एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से निकालना है। अभी तो हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था जिसमें दोनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इसका मतलब टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री।
मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना है हमारा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे कर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दोनों एंगल्स का सम हमारा कितना है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम दिखाते हैं। एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए अगर हमारा 15 है और एंगल बी हमारा 75 है, तो सॉरी हाँ 75 है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री से मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। यह हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इतना हिस्सा हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री का है। यही अगर हम इसको पूरा लाइन करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हमारा हो गया सप्लीमेंट्री। एक क्वेश्चन देते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल बी इज नॉट हेयर, इसका आंसर बताओ कितना आएगा 35 डिग्री। 35 कैसे आता है ये देखते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए हमें कितना दे रखा है 55, और एंगल बी हमें नहीं पता है, तो हम इसको एंगल बी भी लिख सकते हैं या एक्स भी लिख सकते हैं। जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती उसका नाम वही लिखते हैं या फिर हम एक्स लिखते हैं 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 55, ये इधर पॉजिटिव में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा नेगेटिव में, इसका कितना आंसर आ गया 35 डिग्री। अभी तक हमने सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा है, अब हम नेक्स्ट डे मतलब यानी टुमारो कल हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे एंड एडजेसेंट एंगल्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर देन यू विल इजली कमेंट टू मी। थैंक यू सो मच।